RMGs, PHMGs, इसके थ्रू हम कैसे बनाते हैं, राइट? बट हम आपको एक बात बताते हैं, सुनिएगा। ऐसा करते हैं हम लोग, पहले RMGs को पूरी ही तरीके से पढ़ लेते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में क्या एम्फेसाइज करेंगे हम लोग, एल्केन कैसे बनता है, ठीक है? फिर धीरे धीरे इसके ऊपर आगे बढ़ जाएंगे और RMGs पढ़ लेंगे तो 90% RMGs से रिएक्शंस देख लेंगे, ठीक? कुछ एक भूले चुके रिएक्शंस होंगे जो 1,4 एडिशन करता है, वो सब जब आएगा उधर एसिड में, एमिड में, राइट, तब उधर आ जाएंगे, ठीक है? तकलीफ है नहीं, उसका फायदा क्या होगा कि आगे के चैप्टर संभालिए, अभी से ही आसान होना होगा। हमने आपको कहा भी है कि अगर मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ा दूंगा तो आप कैपेबल हो कोई भी चैप्टर पकड़ने के लिए, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, राइट? तो रिएक्शंस के बारे में सोचना शुरू कर दोगे आप। तो पहले देखो RMGs, स्लाइड से जल्दी जल्दी निकाल लेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग, सुनिएगा एक बार, मुझे थोड़ा स्लाइड देख लेने चाहिए कि क्या क्या इसमें है, नहीं तो फिर मेरे दिमाग में कितना एम्फेसाइज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, देखिए अभी अच्छा अच्छा लगेगा आपको। लास्ट डे जब इसको प्रिपेयर करते हैं ना RMGs को, तो सबसे बेसिक प्रिपरेशन क्या है वो सुनिएगा। पहले लोग बोलते हैं कि अल्कलाइन हाइड और PHX के ऊपर Mg ड्राई इथर हीट डाल दो, क्या बन जाएगा? RMGs और PHMGs। अल्काइल हैलाइड एक ऐसा रिएजेंट है, रिएक्टेंट है, जिसमें जो मन करे करते करते तुम आगे बढ़ जाते हो। मतलब कोई भी कंपाउंड RMGs, सॉरी क्या बोलता हूं मैं, अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट करने की बात आती है, जैसे कि एल्कीन के ऊपर, एल्कीन के ऊपर तुम HX डाल दो तो क्या बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। उसके लेके तुम जहां चाहो जा सकते हो, है ना? तो देखो क्या किया तुमने, RX और PHX, RX और PHX, इसके ऊपर तुम अगर इसको डालते हो तो क्या बनता है, RMGs या फिर PHGs। अभी तुम ध्यान रखना कि तुम RMGs को प्रिपेयर कर रहे हो, अभी तुम एल्केन पे नहीं जा रहे हो, ठीक है? तो यहां पे जो लिखा गया कि Mg ड्राई इथर, यहां पे कंडीशन होता है कि ये ड्राई मीन्स एनहाइड्रस, मीन्स यहां पे कोई H2O की बात नहीं होगी, राइट? और साथ साथ ये इथर जो कहने का मतलब होता है ना कि O2 फ्री, क्या बोलते हैं उसको हम, O2 फ्री। जब भी हम इन दोनों से RMGs बनाते हैं तो द मीडियम शुड बी ड्राई, मीन्स मीडियम के पास H2O नहीं होना चाहिए और O2 फ्री होना चाहिए मीडियम। क्या होना चाहिए मीडियम? O2 फ्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सो नेक्स्ट स्लाइड में है, मैं यहां पे ही बात कर रहा हूं आपसे। देखिए क्या कैसे, आप जब इसमें ध्यान सुनिएगा, RMGs बनाने जा रहे होंगे या PHMGs बनाने जा रहे होंगे तो इसके साथ Mg ईथर डालने से ये बन जाएगा, लेकिन बनने के बाद अगर इस पे वाटर रखा ना आपने तो ये एसिड बेस रिएक्शन करके RH या PHH बना लेगा। लेकिन आप क्या बनाने जा रहे हो, आप एल्केन में पढ़ रहे हो लेकिन जस्ट भूल जाओ एल्केन कोई चीज है, तो आप क्या करने जा रहे हो, आप तो RMGs बना रहे थे, आपको तो RMGs और PHMGs तक रुकना था, लेकिन इस कंडीशन में रखेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे, है ना? कैसा रिएक्शन की बात करेंगे आप, एसिड बेस रिएक्शन। अगर आप RMGs की बात करते हैं तो RMGs के पास R- होता है, RMGs अगर R- देता है और आपके पास ऑक्सीजन है O2 है तो ये तो ऐसे खुल जा, धक्का मार के खोल सकता है ना, धक्का मार के खोलेगा तो क्या बनेगा, RO(OO-) बनेगा ना, और जैसे कि ओ आर माइनस के साथ MgX यहां पे था, MgX भी यहां आ जाएगा। आप क्या बनाने जा रहे थे RMGs और PHMGs, क्या बन गया, एल्केन और बेंजीन, और क्या बन गया, ये एक ओ परोक्साइड बॉन्ड, राइट, RO बॉन्ड बन गया ना, RO बॉन्ड परोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं इसको,
ऐसी बॉन्डिंग करके रुके, ये इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा। कब? जब मीडियम में O2 हो और मीडियम में क्या हो, H2O। इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा वो, ठीक है, इस मीडियम में वो नहीं रहने वाला है। तकलीफ है? मतलब जब भी आप RMGX प्रिपेयर करोगे तो मीडियम शुड बी क्या, O2 फ्री एंड H2O नहीं रहना चाहिए। तो क्या बनेगा? RMGX बनेगा, राइट? इफ यू गो फॉर H2O देन विल गेट RH, इफ यू गो फॉर MGX वी गेट दिस वन। ऐसा हो पक्का ना? अब देखो दूसरी बात कि अब जब तुम बात किए, क्वेश्चन देखो कितना सुंदर है, तुम RX की बात करती है, तुम बेंजीन के साथ X की बात करती है, तो तुमने कोशिश किया ये सब के सब मोनो हैलाइड्स हैं। कैसा हैलाइड है? मोनो हैलाइड्स। तो मोनो हैलाइड से किसी भी तरीके से ये बन जाएगा, सॉरी ये नहीं, क्या बन जाएगा, RMGX, और क्या बन जाएगा, PHMGX, ये बन जाएगा। तो क्या डाई हैलाइड्स भी ऐसे बनाएंगे, राइट? क्या डाई हैलाइड्स भी ऐसे कर सकते हैं प्रिपेयरिंग फॉर RMGX? एल्काइल हैलाइड्स में मोनो हैलाइड्स भी है और डाई हैलाइड्स भी है, तो मोनो हैलाइड्स तो मैं करके दे रहा है, इट्स वेरी क्लियर। तो क्या डाई हैलाइड्स भी मुझे करके दे सकते हैं, राइट? क्वेश्चन यहां पे आता है कि डाई हैलाइड्स देंगे क्या, तो आते हैं उस जगह पे। क्या होता है जब भी आप डाई हैलाइड्स की बात करते हो तो ध्यान से देखना, डाई हैलाइड्स कभी भी, अब बात होती है ओपन चेन और क्या रिंग, बिकॉज RMGX और PHMGX है ना। तो अगर आप ओपन चेन में काम कर रहे होते हो, किसमें काम कर रहे होते हो, ओपन चेन में, तो ओपन चेन में ध्यान रखना, यहां पे लिख सकते हो कि 1-2 डाई हैलाइड्स नेवर गिव्स RMGX इन इसमें ओपन चेन। क्या होता है देखो, यहां पे एक एग्जांपल लिया मैंने BR, यहां भी ले लिया BR, होगा क्या जब इसके ऊपर आप MG विथ ड्राई इथर डालोगे तो ये क्या करेगा, ध्यान सुनना, यहां तो माइनस बना लेगा और ये क्या होगा माइनस के साथ MGX, और यहां पे क्या है BR, फट से मारेगा इसको, बाहर निकाल देगा, क्या कर देगा बाहर, बिकॉज एडजेसेंट पे लिविंग ग्रुप है, एडजेसेंट पे क्या लिविंग ग्रुप है, निकाल के बाहर फेंक दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां पे ये RMGX बनने के बजाय क्या बना पाएगा, एल्कीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा। तो तुम्हें लगता है छोटा क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, राइट? क्योंकि यहां से एल्कीन बनेगा, ये बात हम लोग इस रीजन के थ्रू नहीं जानते जल्दी, पक्का ना? यहां भी अगर करते हो तो यहां से भी ये दो निकल जाएंगे और यहां पे क्या बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड, राइट? इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है कंपाउंड का, क्या नाम है बताओ जल्दी, अरे बोलो, बेंजाइन। क्या ये बेंजाइन एरोमेटिक है कि नहीं, हाँ एरोमेटिक है कि नहीं, है, स्टेबल है कि नहीं, लेस स्टेबल है, क्यों, क्योंकि बेंजीन का जो ये स्ट्रक्चर है इसमें जो ये BR है, ये BR जो है, तो बेंजीन में एरोमेटिसिटी पार्ट में जो भी ग्रुप अटैच थे, ये यहां जो BR अवेलेबल है ना, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करके निकलता है, राइट? तो ये जो डबल बॉन्ड है ना वो इसके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, ये अलग होता है, ये इसके साइक्लिक के अंदर नहीं है, और साइकिल के अंदर नहीं है इसलिए इसकी एरोमेटिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? लेकिन ये बाहर है इसलिए बहुत वीक बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है ये, बहुत वीकर बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है ये, काफी वीकर बॉन्ड, ये टूट जाता है, क्योंकि जब तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे ना एरोमेटिक कंपाउंड का, वहां पर आएगा देयर इज वन मेथड, देयर इज कॉल्ड बेंजाइन पाथवे, दो मैकेनिज्म होता है, वहां पे होता है SNAR
और दूसरा मेथड होता है मैकेनिज्म बेंजाइन पाथवे। जैसे SN1 SN2 था ना राइट न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन में, तो ऐसे ही न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में दो मेथड्स होता है, एक होता है बेंजाइन पाथवे और एक होता है क्या SNAR राइट SNAR। अब देखो यहां पे बेंजाइन पाथवे जब होता है तो यहां पे मैं एक लाइन बोला कि ये पाई बॉन्ड इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रेजोनेंस, सो इस पाई बॉन्ड की ओपनिंग विल डिसाइडेड बाय द मेसमेरिक इफेक्ट, नो इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसके ऊपर जो भी कोई कुछ कर रहा होगा उसके इफेक्ट, अगर कोई ग्रुप लगा है इसके ऊपर ना, दैट ग्रुप क्या करेगा इसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट करेगा, मेसमेरिक इफेक्ट नहीं करेगा बिकॉज इसके एरोमेटिसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये पाई बॉन्ड एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो क्या होगा ये 1-2, यानी कि इसके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिए, जो बेंजाइन बनेगा उसके बारे में भी, दैट डोंट गिव्स क्या पीएच एमजीएक्स। दीपक भैया कितना मेहनत किए होंगे सोच सकते हैं आप। यस रियली मैं इस स्लाइड बनाने में उसे मेरे को पूरा दिन लग गया था राइट। डोंट गिव्स व्हाट पीएच एमजीएक्स पक्का राइट। अब आते हैं 1-3 डायहैलाइड्स पे, देखिए तो 1-3 डायहैलाइड्स, तो स्पेलिंग में गलती लिख दिया है ठीक है, तुम लोग जानते हो ना दीपक है ना ठीक है ना। हाँ क्या होगा यहाँ पे आपको पता है ना 1-3 एलिमिनेशन होता है, अभी जो किया था आपने वो क्या किया था 1-2 एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन, 1-3 एलिमिनेशन भी होता है। एनीवे क्या ये समझ आ रही बात ना, तो अगर 1-3 डायहैलाइड्स की बात करो तो 1-3 डायहैलाइड्स भी, जैसे कि यहां पे क्या बनेगा देखो, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे क्या बनेगा देखो, यहां क्या बनेगा, यही सिचुएशन है ना, यहां बी आर है, यहां पे बी आर है, क्या होगा फर्स्ट स्टेप में बोलो जल्दी क्या होगा, यहां क्या बनेगा माइनस, ये क्या होगा बी आर माइनस अटैक करके इसको निकालेगा, क्योंकि गामा एलिमिनेशन होता है स्ट्रांगली होता है और लिविंग ग्रुप है हमारे पास राइट, वो निकल जाएगा और क्या बन जाएगा ये क्या है बोलो साइक्लोप्रोपेन है ना, और ये क्या हो गया साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव, साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव पक्का। सो ये काम होता है राइट। तो यहां पे भी देखो यहां पे भी लिखा हुआ है, इस बट का मतलब है पता है क्या, यहां पे भी हमें आर एम जी एक्स क्या हुआ बोलो आर एम जी एक्स नहीं मिला राइट बट अगर एरोमेटिक सब्स्ट्रेट है तो यहां पे तो कोई लिविंग ग्रुप नहीं निकल सकते ना, तो यहां पे आर एम जी एक्स मिलेगा, यानी ओपन चेन 1-3 डायहैलाइड्स नेवर गिव्स आर एम जी एक्स, बट 1-3 एरोमेटिक डायहैलाइड्स एलिफैटिक नहीं देगा, एरोमेटिक डायहैलाइड्स गिव्स व्हाट आर एम जी एक्स ठीक है क्लियर है। वेयर एज इन ओपन चेन 1-4 डाइहैलाइड्स हमेशा क्या करेगा आरएमजीएक्स देगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये उसको हटा नहीं सकता, इस काफी बहुत बड़ा दूर बन जाता है। सो ये क्या बन गया मेरे को वी गॉट द आरएमजीएक्स सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आरएमजीएक्स के प्रिपरेशन के लिए। क्या क्या कंडीशन है आरएमजीएक्स की प्रिपरेशन में, अगर मोनोहैलाइड्स है या डाइहैलाइड्स है या फिर ट्राइहैलाइड्स है जो भी बोलो, मोनोहैलाइड्स डाइहैलाइड्स में 1-2 डाइहैलाइड्स या फिर 1-3 डाइहैलाइड्स, सब में कंडीशन एक कॉमन है जिसका नाम क्या है O2 फ्री एंड ड्राई स्टोन ही होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि 1-2 डाइहैलाइड्स ओपन चेन में नहीं होने वाला है आरएमजीएक्स, 1-3 डाइहैलाइड्स भी ओपन चेन में नहीं होने वाला है, तो ओपन चेन में कैसे कब मिलेगा आरएमजीएक्स डाइहैलाइड्स के केस में 1-4 के या फिर 1-4 से ज्यादा होगा राइट। एरोमेटिक में क्या होगा 1-3 डायहैलाइड्स में मिल जाएगा, 1-2 डायहैलाइड्स में नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा वहां पे बेंजीन, क्या मिलेगा वहां पे बेंजाइन सॉरी क्या मिलेगा बेंजाइन। अब तुम देखो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो बातें यहां पे आपको मिलेंगी स्लाइड्स के अंदर, आरएमजीएक्स जो है देखिए जब भी आप आरएमजीएक्स की बात करते हो आरएमजीएक्स इस R में जो भी कोई R था सोचो कि CH3 CH2 MgX ये तो बॉन्ड है, इसको दिखाने के लिए क्या दिखा पाते हो तुम लोग CH3 CH2 माइनस है ना, क्या है यहां पे जो कार्बन है
और जो MG के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड किस टाइप का है, वो बॉन्ड किस CMG जो बॉन्ड है उसके पास कैसा करेक्टर है, आयनिक करेक्टर है ना। और कार्बन जो है उसके रिस्पेक्ट में, MG के रिस्पेक्ट में क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए जो C माइनस या फिर जो R माइनस इसके साथ अटैच्ड है, सोचो कि R माइनस कहने का मतलब यह है कि CH3 CH2 माइनस जो इस पे अटैच होगा उसके पास दो बिहेवियर, एक बिहेवियर होगी न्यूक्लियोफिलिक और एक बिहेवियर होगी क्या, बेसिक, है ना, क्या होगी बेसिक। अब ये बिहेवियर लिखा हो गया इसके अंदर, कैसे भी नहीं है, क्या क्या है देखो तो, बेस और क्या न्यूक्लियोफाइल। अब बात ये है कि मैं तुम्हारे पास एक पेन में रेड रिफिल भी है और ब्लू रिफिल भी है, तो जब जैसा फाइल आएगा सामने वही रिफिल निकालोगे तुम, है ना। तो ये अपनी बिहेवियर न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर दिखाएगा या बेसिक बिहेवियर दिखाएगा, ये बताएगा कि रिएक्शन क्या करने जा रहा है। अगर एक एसिड आ रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वो क्या दिखा देगा, एसिड बेस रिएक्शन। और अगर ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराने की जरूरत पड़ गई तो यहां पे क्या कर रहा होगा, अगर क्या कर रहा होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर दिखा रहा होगा, है ना। तो जितने भी प्रोटिक एसिड्स हैं, H2O कैसा एसिड है, पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक याद करो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो जितने भी प्रोटिक और पोलर सॉल्वेंट्स हैं उसके साथ RMGX डालते ही सीधे बना के क्या दे देगा, RH। और जब भी कोई न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर आएगी वहां पे क्या देगा, ये क्या देगा, करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। सो इसके पहले हम किस बिहेवियर को देखें, प्रोटिक। अब यानी कि देखो, अब हम लोग को जो काम था अल्केन बनाना, वो कहानी हम यहां से भी बोल सकते थे, देखो बेटा सब में अल्केन बनता है, लेकिन पढ़ाई अधूरी थी। पहले हमने क्या पढ़ के देखा, RMGX कब कब बनेगा, किस कंडीशन में बनेगा, कहां मिलेगा। अब मिलेगा तो बिहेवियर कैसी हो, एक बिहेवियर होगी न्यूक्लियोफिलिक और एक बिहेवियर होगी कैसी, बेसिक। अभी कौन सी बिहेवियर देख रहे हैं हम लोग, एज ए बेस। जब वो बेस की तरह बिहेव करेगा किसके साथ, किसके साथ, विथ प्रोटिक एसिड के साथ, विथ प्रोटिक एसिड। कौन कौन सा प्रोटिक एसिड, इफ रिएक्ट दिस वन RMGX PHMGX क्या बनने वाला है, पीएच। अरे बेटा दीपक मारे या तो मेरे को, क्या PHH और क्या RH, है ना, ठीक है। और यहां पे H2 है ना, क्या H2 है ना, तो क्या होगा HOMGX। NH3 में भी क्या होगा, NH3 भी क्या है, H+ डोनर है ना, यहां से भी RH या फिर PH, और फिर यहां पे क्या बच जाएगा, NH2 बचेगा ना, NH2MGX। और यहां देखो, ये देखो, सी दिस रिएक्शन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन वी हैव, याद करो, अभी तक तो पढ़े नहीं हो बट फिर भी इस रिएक्शन को देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। आपको पता है अल्काइन में कार्बन जो है वो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो ये एक मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन साथ में लगा हुआ है, यानी कि इसकी जो एसिडिटी होगी वो क्या होगी, काफी हाई होगी ना। ये हाइड्रोजन जो होता है वो कैसा होता है, हाईली एसिडिक, हाईली। तो ये H+ से रिएक्ट करके RH बना लेगा ना, और यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड जो बना वहां पे क्या बन जाएगा, MGX, क्या बन जाएगा, MGX। दीपक ने इसको दिया नहीं इसलिए मैंने खींच दिया इसको, तकलीफ है यहाँ पे, वो कुछ गलती किया है, बट स्टिल दिख रहा है ना क्या बनेगा, राइट। अगर फिनॉल के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, फिनॉल का भी याद करो, फिनॉल भी थोड़े से बेसिक के साथ मिल करके, राइट, इसकी भी जो H है वो क्या है, मोर एसिडिक है, सो ये भी छोड़ के क्या कर लेगा, RH बना लेगा, और ये फिनॉक्साइड, क्या बोलते हैं हम लोग, फिनॉक्साइड आयन OMGX के साथ रिएक्ट कर लेगा, यानी यहाँ पे RH के साथ क्या बन जाएगा, दिस प्लस क्या बनेगा, RH। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, RH होगा, राइट। यहां पे देखो, एल्कोहल, एल्कोहल के साथ रिएक्ट करके,
एल्कोहल भी प्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटिक एसिड, राइट। तो यहां भी क्या बनेगा तुम्हारा, CH3CH2O-, राइट। और यहां से H निकल के क्या बना देगा, RH या फिर PHH, और साथ में क्या बन जाएगा बोलो तो, CH3CH2O- साथ में MgX। ये क्या है, सल्फोनिक एसिड, S H यहां से निकल जाएगा ना, क्या बन जाएगा देखो तो, क्या बन जाएगा यहां पे, RH और CH3S MgX। D2O के साथ क्या बन जाएगा, RD, बाकी क्या बनेगा, DO, क्या MgX। ये सारे के सारे कैसे रिएक्शन है, सारे के सारे एसिड एसिड बेस रिएक्शंस हैं सारे के सारे। सबके शुरू क्या बना, एल्केन, सबसे क्या बना मेरा देखो तो, एल्केन, एल्केन क्या बना, एल्केन क्या बना, एल्केन क्या बना, एल्केन एल्केन। नाउ इज द न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर, न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर देखो, अब मैं जो बोलता हूं सुनना, अब मैं जो बोलता हूं सुनना, पहले इसका आइडिया मैंने पहले भी दिया है, आज भी दे रहा हूं। आपके पास RMGX है, आर एम जी एक्स है, मतलब आपके पास R माइनस है, आपके पास PHMGX है, मतलब आपके पास क्या है, PH माइनस है, PH माइनस का मतलब इसके ऊपर एक माइनस है ना, ठीक है। अगर आपको सोचो यहां पे, यहां क्या ग्रुप है इससे मतलब नहीं, अगर आपको कोई ये देता है, हाँ अगर आपको कोई HC(OON) देता है, अगर आपको कोई C(OO) देता है, या फिर आपको कोई C(OOO) देता है ना, क्या दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई आपको C(OO) ये सब देता है, आपको पता है कि इन सब जगहों पे आप चाहो तो यहां से अटैक करके इसको खोल सकते हो, आप यहां से अटैक करके इसको खोल सकते हो, आप यहां से अटैक करके इसको खोल सकते हो, बिकॉज ये पोलराइज बॉन्डेड है हेटरोटॉमिक पाई बॉन्ड से, है ना, आप चाहो तो इसको ऐसे खोल सकते हो। जिसमें से ये कंपाउंड है, इसमें अगर किसी को किसी ने कहा आर माइनस लगाओ तो लगा दो आर माइनस, खुल जाएगा ऐसे, खुलने से क्या होगा, CO माइनस R आ जाएगा। अब देखो बहुत सुंदर बात बता रहा हूं मैं, जब भी तुम ऐसा करोगे ये माइनस आएगा, और यहां पे G1 एक ग्रुप है और यहां पे एक G2 ग्रुप है, रावण की तरह कहीं भी एवरीवेयर, यहां भी खुला ये माइनस आएगा ना, तो माइनस आने के बाद देखेगा, अच्छा क्या देखेगा, आने के बाद देखेगा कि ये तो लाया मेरे को, ये कोई जीवन G2 में से कोई बाहर निकलने वाला है क्या, राइट। आप याद कीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भाई टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, राइट, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अगर ये कोई ना कोई जाने वाला ग्रुप होगा तो ये वापस आके भगा देगा, फिर देखिएगा कौन बेटर भागने वाला है। तो उस दिन लिविंग ग्रुप का प्रायोरिटी सिखाया था मैं, कौन बेटर भागने वाला है, तो देखिएगा दोनों में कौन बेटर भागने वाला है। अगर ये वापस आके पूछेगा, तुम जाओगे और ये लिविंग ग्रुप नहीं है, तो ये माइनस बोलेगा मैं नहीं जाने वाला, फिर बोलेगा तो क्या करूं मैं, तो बोलेगा हाइड्रोजन आ जाओ मेरे पास, कौन आ जाओ, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को अटैच करा लेगा, क्या करा लेगा, अटैच करा लेगा, ठीक है। मतलब मैं तुमको ये चार्ट पे जाने से पहले ही ब्रीफ कर लेता हूँ ढेर सारा, फिर आगे जाऊंगा मैं। तो कोई पूछता है कि एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन RMGX के साथ बताओ, कोई पूछता है कि एसिड डेरिवेटिव का रिएक्शन बताओ RMGX के साथ, कोई पूछता है कि CO2 के साथ रिएक्शन बताओ, कोई पूछता है एल्डिहाइड के साथ बताओ, कोई पूछता है कि एमाइड के साथ बताओ, कोई पूछता है नाइट्राइल के साथ बताओ, आइसोसाइनाइड के साथ बताओ,
अब इसके पास दो तरीका है पढ़ाने का, कि वो सब जब चैप्टर आएंगे तब उसमें RMGX देखें, नहीं हर चैप्टर में RMGX देखना पड़ेगा, ठीक है ना, या फिर RMGX को एक साथ देख लें, बेटर कौन है, एक साथ देखना, कि जब वो चैप्टर आएगा तो फट से तुम डिलोकेट कर, लोकेट कर लोगे ना वहां पे, जैसे अभी तुमने लोकेट किया ना, न्यूक्लियोफिलिक रिपीटिशन भाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, क्या ये देखो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें इसमें करने में तकलीफ होगी, कैसे तकलीफ होगी, जैसे तुम्हारे पास RCO H है, क्या है तुम्हारे पास एल्डिहाइड, तुम्हारे पास PH CO H है, तुम्हारे पास CH3 CO H है, और तुमसे कोई बोलता है कि इसके ऊपर इसको RDS पकड़ लो, इसके ऊपर RMGX को लगाओ, तो भैया जब तुम RMGX को लगाओगे तो ये माइनस अटैक करेगा, अटैक करके खोलेगा, यहां पे क्यों खोलेगा, बिकॉज ये बॉन्ड पोलराइज्ड है, कार्बन के ऊपर क्या है पॉजिटिवली चार्ज है पार्शियली, ये यहीं पे अटैकिंग खोजेगा, खोजने के बाद क्या होगा RDS CO माइनस H R, और यहां पे क्या बनेगा बेटा MGX, अब देखो ये माइनस क्या बोलेगा, आप निकलो हुँ? निकलो एच माइनस आर माइनस इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इज नॉट ए लिविंग ग्रुप एट ऑल, ये लिविंग ग्रुप नहीं है, तो यहां पे खुश रहेगा आर एम जी एक्स राइट, या फिर PHMGX, देखना मैं कैसे लिखूंगा, क्या होगा, ये PH है ना, ये क्या करेगा अटैक करेगा, खुलेगा, क्या होगा CO माइनस H, यहां पे क्या होगा ये R या फिर ये PH, और यहां पे क्या होगा MGX, ये जाने वाले हैं यहां पे, चलो मैं PHMGX लेता हूं डायरेक्टली, ठीक है ना, PHMGX CH3, अब देखो जो तुम सीख रहे हो ना बेटा वो तुम एक मैकेनिज्म सीख रहे हो, तुम अपने जरूरत के हिसाब से कंपाउंड फॉर्म करो, जब क्वेश्चन में कन्वर्शन करेगा, यहां पे तुम किसको लेके आओगे पीएच को, यहां पे क्या होगा ओ माइनस, ये क्या होगा एमजीएक्स, और ये क्या होगा एच, ये खुलेगा ऐसा नहीं, रिएक्शन क्या था एल्डिहाइड और सबके सब क्या है एल्डिहाइड्स, कीटोन होता तो होता वहां भी सेम सिचुएशन ना, अब देखो तो केस ऑफ कीटोन ले लो आप CH3 CO CH3 और यहां पे R MGX R माइनस का अटैक होगा, खुलेगा क्या होगा CH3 CO माइनस CH3, यहां पे क्या होगा R, यहां पे क्या रहेगा MGX, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप नहीं है, क्या ये कीटोन है, एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि सब समझने लगे, होगा ना राइट देखो तो यहां पे आ जाओ, इसके बाद तुम्हारे पास आया था आर सी, देखो कैसे चेंजेस लाएंगे हम, आर सी ओ ओ एच ये आया था, इसके ऊपर आर डेस ले लो, आर एन जी एक्स रिएक्ट किया था, क्या बनेगा क्या बनेगा, ये तो एसिड बेस रिएक्शन है, तो ये क्या कर देगा आर एच प्लस RDS CO OMG क्या, लेकिन वहीं पे ये एसिड की बात किया मैंने, वहीं पे अगर हम बात करें एसिड डेरिवेटिव्स की, एसिड डेरिवेटिव्स की RDS COCl, अब यहां पे अगर तूने पीएच या फिर आर एमजीएक्स लिया तो उस आर एमजीएक्स से माइनस का अटैक होगा, अटैक होने के बाद डेस वो माइनस एमजीएक्स, यहां पे क्या आर और यहां पे क्या बोलो वो माइनस ढूंढेगा, अरे कोई है जाने वाला, हाँ सीएल जाने वाला है, वापस ला के फेंक देगा बाहर,
वापस लाके जब फेंकेगा बाहर तो ये क्या होगा, सीओ डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा यहां पे, आर डैश सीओ क्या बना, ऐसी डेरिवेटिव से आरएमजीएक्स किया क्या बन गया, कीटोन। ऐसी डेरिवेटिव से आरएमजीएक्स रिएक्ट गिव्स व्हाट, कीटोन भाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भाया टेट्राहेड्रल, दिस इज वन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, है ना, ठीक है, सुनना मेरी बात। तब इनको क्या हुआ, ये ऐसे नहीं किए ना, तभी बोलेंगे भैया कहीं से मुझे, मैं कहीं से मुझे H प्लस दे दो, भाई साहब कहीं से H प्लस दे दो मेरे को, H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, क्या बनाया ध्यान से देखना, आर डे सी ओ एच, एच क्या आर, क्या बना बोल जल्दी बोलो, अरे क्या बना, 2 डिग्री अल्कोहल, यहां पे बोलेगा भाई मुझे कहीं से भी एच प्लस दे दो, क्या बनेगा जल्दी बोलो, 2 डिग्री ध्यान सुनना अल्कोहल, यहां पे बोलेगा कहीं से एच प्लस दे दो क्या बनेगा, सी एच थ्री सी ओ एच एच क्या पी एच, यहां पे बोलेगा मुझे कहीं से एच प्लस चाहिए भाई, दिया एच प्लस, वो रीजन दे देगा डोंट वरी, क्या होगा यहां पे 3 डिग्री, अरे 3 डिग्री एल्कोहल, इसका मतलब कीटोन रिएक्ट विथ आरएमजीएक्स फॉलोड बाय एसिड और एच प्लस गिव्स व्हाट 3 डिग्री एल्कोहल, एल्डिहाइड फॉलोड बाय एल्डिहाइड फॉलोड बाय आरएमजी, एल्डिहाइड रिएक्ट विथ आरएमजीएक्स फॉलोड बाय एच प्लस गिव्स व्हाट 2 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड क्या देता है 2 डिग्री, कहता है 2 डिग्री अल्कोहल, रिएक्ट विथ किसके साथ आरएमजीएक्स, कीटोन 3 डिग्री अल्कोहल देता है, रिएक्ट विथ क्या आरएमजीएक्स। एसिड डेरिवेटिव गिव्स व्हाट, डोंट रिमेंबर कीटोन कुछ भी, इफ यू थिंक अबाउट द फॉर्मिक एसिड और इफ यू थिंक अबाउट द अदर डेरिवेटिव तो दिस फाइन कीटोन, यहां तक बोल सकते हो आप, अब ये दिमाग में आ सकता है। फिर से तुमको यहां पे कोई सुनो तो, फिर से कोई तुमको यहां पे आर डबल डैश एम जी एक्स दे दे या फिर वही आर डबल डैश एम जी एक्स, फिर से तुमको कोई यहां पे ध्यान सुनना आर एम जी एक्स दे दे और फिर ये पहले दे आर एम जी एक्स, समझ में आई बात, और दूसरा क्या दे दे एच प्लस चाहिए ना, क्योंकि निकलेगा नहीं देखो यहां पे है ना, सो फिर तुम्हें क्या मिल जाएगा बोलो तो, आर डैश सी ओ एच आर और आर, यानी एसिड डेरिवेटिव्स एक बार क्या देता है कीटोन, फिर आरएमजीएक्स रिएक्ट करके क्या देता है, कहता है 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। एक क्वेश्चन आता है कि एल्डिहाइड और कीटोन कितना आरएमजीएक्स कंज्यूम कर सकता है, कंज्यूम करने का मतलब क्या हुआ, रिएक्ट करना या फिर कंज्यूम मतलब खा लेना, मैंने खा लेना, कंज्यूम मतलब खाना हुआ, रिएक्ट करना नहीं, मतलब मैं उसके साथ कितने आरएमजीएक्स को मैं अपने अंदर रख सकता हूं। तो एल्डिहाइड और कीटोन एक इक्विवेलेंट आरएमजीएक्स को कंज्यूम किया, राइट, एसिड डेरिवेटिव दो इक्विवेलेंट को कंज्यूम किया, ये एकदम डिट्टो क्वेश्चन आता है, आरएमजीएक्स एसिड एंड एसिड, एसिड डेरिवेटिव्स डोंट से एसिड बिकॉज एसिड तो एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, एसिड क्या कर लेगा, अगर इसके बाद आरएमजीएक्स को दे दे तो क्या होगा, अल्कोहल है भाई, अल्कोहल से रिएक्शन तो करता है, थोड़ी देर पहले तो देखे थे एसिड बेस रिएक्शन, क्या कर लेगा एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, एल्केन दे देगा ना, क्या दे देगा, तो क्या वो कंज्यूम किया, रिएक्ट किया, क्या किया वो। तो अगर तुम्हें किसी कीटोन पे
दो इक्विवेलेंट आरएमजीएक्स दिया हो तो एक इक्विवेलेंट तो यूज करके क्या बनेगा, अल्कोहल, और दूसरा इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, एल्केन। क्या बन जाएगा, एल्केन। तो आप यहां पे लिखोगे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, राइट, आप लिखेंगे नोट्स जब बनाएंगे तो लिखेंगे आप क्या, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन कंज्यूम वन इक्विवेलेंट ऑफ आरएमजीएक्स, राइट, फॉलोड बाय एच प्लस गिव्स, फॉलोड बाय एच प्लस इट गिव्स, फॉलोड बाय एच प्लस इट गिव्स 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स रिस्पेक्टिवली। Whereas acid derivative consume two equivalent of RMGX, one after consuming one equivalent gives what, ketone, and after second equivalent क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री क्या दे देगा, 3 डिग्री अल्कोहल। यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन से तुम्हें अल्कोहल आरएमजीएक्स का रिएक्शन समझ में आ गया, आया ना। अच्छा, फिर एसिड और एसिड डेरिवेटिव की बात किया, बट वहां पे भी एक नोट जानना जरूरी है आपको कि कोई भी एसिड, एनी एसिड एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड क्या करता है, आरएमजीएक्स क्या करता है, आरएमजीएक्स क्या देता है, राइट, बट फॉर्मिक एसिड के केस में आ जाओ HCOH, फॉर्मिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जहां पे एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो एल्डिहाइड कुछ भी जो भी कुछ करता है ये भी करने के लिए कहता है, हम भी करेंगे। तो ये क्या करता है, आरएमजीएक्स रिएक्ट करने की जब बात होती है तो ये पहले क्या करता है, एच सी ओ एम जी एक्स प्लस क्या देता है, क्या देता है, आर एच दे देगा ना, दे देगा ना। लेकिन बेटा जब तुम इसके ऊपर एक्सेस एमजीएक्स डालोगे तो ये बोलेगा अच्छा आप आ गए, आइए मैं आपको बिठाऊंगा, बिकॉज मैं अभी एल्डिहाइड की तरह बिहेवियर दिखाऊंगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लाइफ टाइम कभी किसी को पूछा जाता है, वी गेट ओ एम जी एक्स, दिस इज अनदर आर, दिस इज ओ एम जी एक्स। अब निकलने वाला है कोई नहीं ना, तो बोलेगा भैया 2H+2 हम उसको दे देंगे, देने के बाद बोलेगा OH, फिर बोलेगा अरे हम एक ही कार्बन पे 2OH नहीं रख सकते, स्टोर रिलीज, गेट RCOH, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गेट द एल्डिहाइड। सो हियर दिस कंज्यूम टू इक्विवेलेंट ऑफ RMGX। मैंने कहा था ना कि जब थोड़ा दिन पढ़ लोगे मेरे साथ तो रिएक्शन मैकेनिज्म में तकलीफ नहीं, ऐसी डेरिवेटिव में जो पकड़ना है पकड़ो ना, जो मन के आ रहे, तुम्हारे पास RCO OCH3 है बताओ कर लो, देखो 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 PHMGX करो देखो क्या होता है, RCO O COR RMGX करो ना, कोई दिक्कत होगा क्या, क्या यूज कर रहे हो तुम, एस्टर क्या यूज कर रहे हो तुम यहाँ पे, एमाइड एनहाइड्राइड है ना, ठीक है ना, करो करो फटाफट करो। अब कोई पूछेगी आरएमजी से रिएक्शन तो एस्टर, बात देखिए ना, समझ रहे ना, एग्जांपल में करा रहा हूं मैं, तो वहां पर लिखाऊंगा ना कि एस्टर में क्या होता है, एनहाइड्राइड में क्या होता है, ये क्या है साइक्लिक एस्टर है क्या, ये इसमें क्या होता है,
बाकी हम आते हैं उसे करते हैं हम जल्दी। क्या होगा देखो तो जाएगा अटैक करेगा खोलेगा बाहर फेंक देगा करेगा ना लिविंग ग्रुप है ना OC3 क्या हो जाएगा RCOH क्या बन गया ये कीटोन। फिर कीटोन कैसे रिएक्ट करता है मुझे पता अगर एक मोल और दे दिया तो आगे बढ़ जाएंगे एक मोल और दे दिया तो क्या हो जाएगा आगे बढ़ जाएंगे ना। यहाँ पर रोक दे इसको बिकॉज यही पूछा यहाँ पे क्या होगा ये अटैक खुला पूरे को भगाया क्या होगा RCO RS+MgX OCOR फिर RMGX अटैक तक बाहर बोलेगा ना इसको क्या होगा MgX CO क्या ये होगा ना और वहां पे H+ है साथ में NH4Cl का मतलब क्या है NH3+HCl H+ है ना मेरे पास क्या होगा H+ है ना H+ यहाँ आ जाएगा क्या आ जाएगा ये क्या होगा बोलो अरे क्या होगा OH CO हुआ ये नेक्स्ट क्या होगा R-2 लिविंग ग्रुप है ना क्या हो जाएगा बोलो HCO फिर और भी होगा तो दिया भी है ना फिर क्या होगा ये R- क्या करेगा इसको अटैक है ना फिर H+ आ जाएगा ना RCOH नेक्स्ट दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शंस ऑफ RMGX गलती होना ही होना है होना है गलती होना ही होना है। देखिए अब यहां पे आई मैंने कहा है ना कि इसके जो लोन पेयर्स हैं ये रेजोनेंस में है इसका मतलब ये है कि जब भी कोई एमाइड की बात करता है एमीन नहीं है क्या ये एमाइड है ना तो एमाइड के जो हाइड्रोजन्स होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं पक्का। अब ये लोन पेयर की वजह से यहाँ प्लस है तो ये H+ छोड़ सकते हैं ना यानी कि इसकी H+ की एसिडिटी बहुत हाई है तो ये पहले क्या करेगा pH के साथ H+ एसिड बेस रिएक्शन करेगा। अब तुम बोलोगे सर इसको यहाँ पे क्यों दिखा बताऊंगा उसके पीछे रीजन है उसको तो पहले ही दिखाना चाहिए रीजन क्या अब क्या होगा यहाँ पे H+ छूटने से प्लस क्या बचेगा RCO NH क्या MgX क्योंकि यहां पे अब कोई हाइड्रोजन नहीं है अब ये pH- आसानी से जाके खुल करके इसको भगा सकता है याद है हॉफमैन एलिमिनेशन नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो भागने में उसकी आसानी होती है सो यहां पे क्या होगा RCO यहां पे हॉफमैन हो नहीं रहा है बट उस टाइप का एक्सचेंज बताया मैंने तुम्हें क्या बचेगा NCH3 MgX यहां पे CN ट्वाइस है मतलब क्या है N ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड यही ना। अब देखो ये कोई रिएक्शन है अरे कोई रिएक्शन नहीं है ये तो जादू है जादू मतलब मैकेनिज्म आता है तो वेल एंड गुड नहीं आता है घर चलिए जाएंगे खुलेगा खुलने के बाद क्या होगा N ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N- और क्या होगा यहां पे क्या होगा जल्दी बोलो pH E- बोलेगा अब कुछ नहीं आ सकता बट ये तो एक लिविंग ग्रुप है KCN CN- क्या होता है एक लिविंग ग्रुप होता है ना लिविंग ग्रुप है निकाल देगा क्या बचेगा यहां पे pHC ट्रिपल बॉन्ड प्लस N ट्रिपल बॉन्ड C MgX दिस ऑल ब्यूटिफुल रिएक्शंस है ना क्लियर। अब देखो इसका क्लू मिल गया होगा अभी किस में क्या होगा इसका क्लू मिल गया ना ये जाएगा खोलेगा
वापस आएगा और इसको निकाल देगा, बिकॉज ये लिविंग ग्रुप है ना। क्या बचेगा बोलो तो, पी एच सी ट्रिपल बॉन्ड एंड। घर में इसको करना नहीं, तो फिर तुमको लगता है कि ऐसे करेगा निकाल देगा, होगा नहीं तुमसे बाद में। तो शुड दिस ऑल थिंग इज ऑन योर फिंगर टिप। यहां क्या होगा दादा भाई, यहां पे सर ऐसे जाके ऐसे खुलेगा है ना, क्या होगा बोलो। देखो तो सी डबल बॉन्ड ओ पी एच यहां घुस जाएगा ना, और यहां पे क्या हो जाएगा ओ माइनस, और यहां से क्या आएगा एच प्लस ना। अरे बेंजोइक एसिड बन गया, कितना सुंदर रिएजेंट है। क्या बन गया, अरे क्या बन गया तो CO2 pH MgX डाल के CO2 डालते हैं तो क्या बनता है, रट्टा मारेंगे कितना रट्टा मारेंगे, देख के मैकेनिज्म दिखता है ना, हो जा रहा है यहाँ पे। आप खुद ढूंढेंगे कि माइनस आने के बाद तो कुछ नहीं होगा, तो H+ को बुलाओ, H+ आया बेंजोइक एसिड बना ना, डिकार्बोक्सिलेशन से क्या होगा सोडा लाइम CO2 निकल जाएगा ना, क्या होगा वहां पे क्या होगा, यहां पे ये माइनस अटैक करेगा खोलेगा, जाने के बाद राजा जी आएंगे माइनस में ना, वो दोनों रावण जीवन से पूछेंगे कौन रावण है कौन जीवन है, तो रावण को बाहर निकल जाना चाहिए, अच्छा लिविंग ग्रुप को रावण बोलेंगे ना, जीवन को रखेंगे हम लोग राइट ना। तो अच्छा लिविंग ग्रुप को ग्रुप कौन है, अरे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है सीएल, गोली गोली मार देंगे फिर सीएल निकल जाएगा, क्या बचेगा पी एस सी ओ सी एस थ्री, फिर ये अटैक मारेगा, फिर उसके बाद पूछेगा जीवन रावण, तो ये बोलेगा कि हम तो जीवन में कन्वर्ट हो गए, हम तो इस जगह हम भागने वाले नहीं है, आप भगाइए उसको, भगा दिया, क्या होगा पी एच सी ओ पी एच, फिर पी एच बोलेगा आ जाओ गए, फिर पी एच माइनस कोई जीवन रावण नहीं है, एच प्लस आ जाएगा पी एच सी ओ एच पी एच, एक ऐसा अल्कोहल जो डिहाइड्रेट नहीं होता, एक ऐसा अल्कोहल जो डिहाइड्रेट नहीं निकलने का बेंजीन के साथ का, एलिफेटिक होना चाहिए ना, सो ऐसा होता है, एंड सी द रिएक्शन ऑफ दिस सॉल्ट, मस्ती कहां का रिविजन है, यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें किसी की हाइड्रोजन की एसिडिटी नहीं है जो कि छोड़ दे, यहां पे हाइड्रोजन के पास एसिडिटी है, एक हाइड्रोजन एसिडिक है, यहां पे हाइड्रोजन जो है एसिडिक है। देखिए जैसे कि यहां के बाद डिकार्बोक्सिलेशन करके बेंजीन बना लिया, हमारे पास CO2 था है ना, हमारे पास ये आ गया, डिकार्बोक्सिलेशन कर लिया, PHMGX कुछ कितना, ये हमें नहीं आता, मैं आपको बोलता हूं कैसे आता, मैं आपको एक एक बुद्धि दिखा रहा हूं कि आपको, अब मैं बुद्धि क्या दिखा रहा हूं आप याद कीजिए, तो दादा भाई कि आपके पास ये बेंजीन था हाँ, आपके पास Cl2 था हाँ, AlCl3 थी हाँ, हुआ है ना आपसे, ये क्या बनता है बोल रही, तो अरे क्या बनता है, क्या आपके पास Mg ether है, क्या बनेगा आपको, बनेगा ना, क्या आपके पास CO2 है, क्या आपके पास H+ है, क्या बनेगा आपको, अरे बोलिए ना, अरे बोल नहीं रहे, क्या आपके पास सोडा लाइम है, आप मुझे एक बात बताइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर का अच्छा होता है कि स्टूडेंट का, जब स्टूडेंट आगे पढ़ता है ना तो उसको खुद सोचना चाहिए कि जो हम अभी कर रहे थे, मेरा जो रिएजेंट है, मेरा जो रिएक्टेंट है, क्या हम इसको खुद से बना सकते हैं, ऐसा पढ़े हैं क्या, हम पहले कभी पढ़े हैं क्या ऐसा, हाँ पढ़े तो हैं, बट स्टूडेंट खुद से ये इनिशिएटिव नहीं करता है, टीचर करके देता है तो उसको लगता है सर को बहुत आता है, अरे तो सब बता चुके, ये तुम्हें खुद सोचना है, ये किसको सोचना है, अरे तुम्हें सोचना है, अरे सर तो ऐसे भी कह सकते थे सर कि इसके ऊपर सी एस थ्री सी एल ए एल सी एल थ्री क्या बन जाता बोलो तो,
अरे बोलो क्या बन जाता? टॉलवीन ना। अरे सर इसके ऊपर तो आपने सिखाया था ऑक्सीडेशन करने से भी होता है सर। ये सब क्या है? ये सब मोबाइल जब नया नया आता था टिपते हैं ना हम लोग, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखते हैं ना, तो कन्वर्शन जो है ना खुद के माइंड से सोचना चाहिए। कोई भी कन्वर्शन गलत नहीं होता है, एक लेंदी होता है एक छोटा होता है। इफ यू यूज द प्रॉपर रिएजेंट्स तो हमें तकलीफ की बात नहीं होने वाली। राइट ना, हम आगे इधर क्या बनाए? आरएमजीएक्स बनाए, एक यूज देख लिया है ना। देखो अभी 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 तुमसे कोई पूछे, ध्यान से सुनना मेरी मेरी एक अच्छी सी बात, तुम्हें रिएजेंट नहीं, ये रिएक्शन नहीं बताया मैं, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास PHMGX है। CO2 के साथ रिएक्शन देखा ना? CO2 के साथ रिएक्शन देखा ना कि नहीं देखा? देखा। अच्छा चलो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बताओ, तब समझ जाएंगे तुम कुछ सीख रहे हो। क्योंकि तुम हाइड्रोकार्बन खत्म करूंगा मैं और समुद्र की तरह कन्वर्शन कराऊंगा तुमसे, क्योंकि तुमको जानते हो सबसे अच्छा चीज पढ़ा चुका हूं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, साइड चेन रिएक्शन, रिडक्शन, वुल्फ क्रिशनर, क्रिमेंसन रिएक्शन, राइट? तब तुम्हारा दिमाग दौड़ना शुरू हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या क्या है? O प्लस, ठीक है, माइनस। क्या है तुम्हारे पास? पीएच माइनस। क्या करोगे इसको? अटैक। तुम बोलोगे सर ये माइनस पे अटैक करा दिया आपने। नहीं, मैंने ऐसा गलती नहीं किया, ठीक किया, क्योंकि माइनस को छोड़ दो, ये चोर है ना, ऑक्सीजन क्या है मतलब मोल टू नेगेटिव है, और उसके ऊपर क्या है, तो पागलों की तरह पाई बॉन्ड को खोल खींच रहा होगा ना तरफ, चोर के घर में चोरी हो चुकी है, तो पागलों की तरह खींच रहा होगा ना, तो इसकी पोलराइजेशन बहुत स्ट्रांगली हो रही है ना, खुलेगा इस आराम से। अब क्या होगा? चोर शांत हो जाएगा। कैसे शांत हो जाएगा ना? क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाएगा ना। तब लगता है कि अरे इसके बाद तो कुछ होगा ना, तब किसको फोन करेगा ये? किसको? आरएमजीएक्स रिएक्ट करने के बाद, कुछ नहीं होने के बाद एच प्लस को फोन करता है। फिर क्या बना दिया इसने? तो बाद में सिखाएंगे लोग आपको कि एरोमेटिक कंपाउंड जब आप पढ़ेंगे तो आपको सिखाया जाएगा कि एरोमेटिक एमजीएक्स के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। बहुत बड़ा चीज सिखा दिया गया आपको, जो आपको आता है मैकेनिज्म से, राइट? आपको कहा जाएगा कि CO2 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो एसिड बनेगा। कहा गया भैया वो CO2 वाला किधर गया? हाँ, क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड बनेगा। अरे तो बेसिक मेथड है जो हमें आना चाहिए। क्या बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके? ये बेंजल डिहाइड। क्या होता है बेंजल डिहाइड? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। पक्का? अब क्या नजारे कराओ उसके ऊपर, उधर एल्डिहाइड की डोनर रिएक्शंस कराते रहो, बट बेस रूट, बेसिक रूट क्या है? ऐसे ही है ना, मतलब सोचो ये पार्ट समझ रहे हो ना, ये पार्ट कॉमन है, दिख रहा है ना, तुम्हें PHMGX चाहिए, तुम्हें ये रिएक्शंस कराना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा PHMGX तक जाने के लिए दूसरा कोई स्टेप है क्या? इसको छोड़ के कोई स्टेप है? तो ये स्टेप आना चाहिए। लोग बोले इस पे कराने से हो जाएगा, तो इसको आने के लिए यही तो तरीका है, और कोई तरीका है? तरीका है और कोई? अरे बोल मेरे को तरीका है। हाँ, इसके ऊपर BR कराने का तरीका है। क्या तरीका है? NBS, N ब्रोमो सक्सिनामाइड, याद है ना, मोनोफ्लोरिनेशन एंड दिस एंड दैट में, याद है? अच्छा सही है, तरीका है। एनीवे ऐसे होता है, तकलीफ। अब इसमें जितना भी तुम्हें घुमा फिरा के गधा बना दें, कोई बोले तुमको ये COCl है, फिर इसके ऊपर PHMGX डाल दिए, ये कितनी में डाल सकते हैं? डालते रहो। फिर तुमसे कोई बोलेगा PHCOCl है और BR है, कितनी में डाल सकते हैं? दो बार। लेकिन इसमें डालने में अंतर है, क्यों? यहाँ लिविंग ग्रुप जो मन करे हटा देंगे, दिक्कत नहीं। पहले वहां पे क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आयोडीन ब्रोमीन, पहले कौन निकलेगा? पहले ब्रोमीन पहले निकलेगा, साइज बड़ा है। फिर क्या? क्लोरीन, डू इट डू इट डू इट। क्या होगा? पीएच माइनस, अटैक, टुक टुक टुक।
सीएल सीओ पीएच फिर से पीएच माइनस, कितनी बार बोला था तुम, दो कंज्यूम करेगा तीन कंज्यूम करेगा ना लायक, तीन तीन ये कितना कंज्यूम करेगा तीन, दो बार भगाने में और एक बार फिर से ऐड कराने में, समझ रहे हो क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पूछ दूंगा एग्जाम में यही कि ये कितने आरएमजीएक्स कंज्यूम करेंगे, उतने में खत्म हो जाए, इंटीजर टाइप क्वेश्चन बन गया। पहले से निकला, दूसरे से भी क्या होगा, जाएगा टुक रावण को निकाल देगा, क्या बचेगा पीएच सीओ पीएच, फिर एक और खा सकता है, खा सकता है ना एक और, कैसे खा सकता है, अब यहां पे जरूरी है कि पीएच एमजीएक्स खाएगा, आरएमजीएक्स खिला दो, क्या खिला दो आरएमजीएक्स, आरएमजीएक्स खिला सकते हो ना, क्योंकि तो हर एक स्टेप में स्टेबिलिटी है इसकी, तो क्या हो सकते हैं यहां पे पीएच सीओएच पीएच क्या आर, आर में हो सकता है कि डिहाइड्रेशन हो जाए, आर में हो सकता है कि डिहाइड्रेशन नहीं होगा, लायक होगा नहीं, दिमाग दिमाग सिर्फ फिजिक्स में चलता है का दीप में, ऐसे आर नहीं हो सकता ये, तो डिहाइड्रेशन ही हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक या दो, एक क्यों, देखो कितना केमिस्ट्री में कितने लोग बोलते हैं ना केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घटिया है, पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है, अगर डिहाइड्रेशन करा हुआ तो क्या होगा, यहां से निकलेगा ना, क्या बचेगा पीएच सी पीएच डबल बॉन्ड सी एच, देखो इधर डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री बचेगा ना, ये मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट, एक क्योंकि यहां पे ना सीस ना ट्रांस कुछ भी नहीं है ना, लेकिन अगर यहां पे ही चेंज कर दिए होते तो यहां पीएच, यहां पे एक पीएच आता, फिर यहां पे एक सी एस थ्री आता, अगर हम यहां पे इसको सी एस थ्री ले लिए होते, अगर यहां पे इसको सी एस थ्री ले लिए होते तो इस ये तो पीएच रहता ही रहता, एक क्या हो जाता सी एस थ्री हो जाता ना, और यहां पे क्या लिए होते सी टू एच फाइव सी टू, तब यहां पे क्या हो जाता ये सी एस थ्री हो जाता ना, ठीक है, तब क्या हो जाता दो प्रोडक्ट एक सी सर एक, समझ रहे क्वेश्चन की कैसे कॉम्प्लिकेटेड होता है, लोग बोलते हैं बहुत टफ पूछा था, पूछा ही नहीं था टफ, आपको उस चीज को ओपन करके दिखाया नहीं गया, क्योंकि आपका भी दिमाग वहां रीच करना चाहिए, आपको ईच एंड एवरी रिएक्शन आते हैं राइट, लेकिन वो हर टाइप को अगर हम खोल देंगे ना तो आपका भी दिमाग सोचेगा अरे हाँ इसमें ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी प्रोडक्ट कितना होगा एक ही होगा, बट अगर चेंजेस ला दिया जाए, चेंजेस ला दिया जाए, जैसे कि कितनी चेंजेस लाई जाएगी वो मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, देखिए देखिए आपके साथ कितना धोखा होगा अभी, पी एच एम जी एक्स फिर सी एस थ्री एम जी एक्स फिर सी एस थ्री सी एस टू एम जी एक्स फिर एच प्लस हीट, ये बड़ा खतरनाक स्टेप है, अब देखिएगा मैं दिखाऊंगा आपको कैसे आप रोएंगे, और फिर यहां पे दे देगा प्रोडक्ट बी, बी कितना होगा एक ऑप्शन बना देगा एक वन, दूसरा ऑप्शन बना देगा टू, तीसरा ऑप्शन बना देगा तीन, चौथा बना देगा नन ऑफ दिस, बस आंसर देखो पहली बार में बन जाएगा, क्या बनेगा पीएचसीओ, फिर कौन जाएगा क्या बनेगा, यहां पे क्या होगा होगा ना, लेकिन यहां पे H प्लस के साथ हीट भी दिया है, मतलब क्या है वेस्ट तो बनेगा साथ साथ डिहाइड्रेट भी हो जाएगा, एक ही स्टेप में सोचना पड़ेगा, बट आप जब ऑप्शन देखेंगे ना बी में तो आपको वो अल्कोहल वाला भी ऑप्शन होगा क्वेश्चन के अंदर राइट, तो आप घबराएंगे नहीं, वहां पे वो ट्विस्टेड होगा, एल्कीन हो जाएगा प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट एल्कीन डिहाइड्रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, तो मैं दिखा रहा हूं आपको, आपका पी एच है सी OH होगा CH3 है
CH3 यही है ना कंपाउंड। रेडिएशन कहां पे होगा, कोई शिफ्टिंग ऑफ्टिंग होगी क्या, माइग्रेशन होगी क्या एलिमिनेशन में? SN इवन की टू इवन इवन, क्योंकि इसके जाने से प्लस आएगा ना, क्या प्लस शिफ्ट होगा? नहीं, सबसे ज्यादा स्टेबल यही पे है ना, तो वन टू एलिमिनेशन यहीं से कर लेगा ना क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड C। तो रिएक्शन में और बताऊंगा, बहुत सुंदर रिएक्शन है, लेकिन मैं आपको जो चीज सिखाऊंगा वो चीज आप ये मत समझिए कि एल्केन में पढ़े थे, वो सीखिएगा कि हमेशा चाहिए आपको, बहुत माइन्यूटली सीखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे चल के आपको बहुत तकलीफ नहीं देगी। ठीक है, देखिए अगर आपके पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है ना, और आप इसके ऊपर एक पीएच एमजीएक्स ले रहे हैं, राइट मतलब मैं कि क्या दिखा रहा हूं आपको, रिएक्शन ऑफ आर एमजीएक्स और पीएच एमजीएक्स विद द साइनाइड, विद द आरसीएन के साइनाइड है ना, क्या है ये माइनस यहां से अटैक करेगा, अटैक करके खोलेगा, क्या होगा आपके पास आर सी पी एच डबल बॉन्ड एन एम जी एक्स। अब ये एन पे माइनस है ना, तो क्या कोई लिविंग ग्रुप है इसमें, है कोई लिविंग ग्रुप इधर, नहीं है ना, तो ये किसकी डिमांड करेगा आर सी पी एच डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा NH। आपका जो RMGX का रिएक्शन है यहां कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो RMGX का रिएक्शन है और PHMGX का जो रिएक्शन है साइनाइड के ऊपर वो इस जगह कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस जगह कंप्लीट, लेकिन ये एग्जाम में ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, यहां पे आपको नहीं छोड़ेगा क्वेश्चन, एग्जाम में आपको क्या करेगा कि ये जो प्रोडक्ट बना ना आपका लास्टली उसके ऊपर एक दे देगा H3O+। H3O+ मीन्स हाइड्रोलाइसिस, क्या बना देगा आपको हाइड्रोलाइसिस। जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, तो इसकी जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं R CPH डबल बॉन्ड NH की, तो यहां से टूटता है और क्या करके देता है आर सी पी एच डबल बॉन्ड, ऐसी इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, थोड़ा सा करके देखते हैं ऐसी होती है कि यहां तक, तो लेट मी जस्ट गिव मी सम टाइम, दो सेकंड टाइम दो मैं देख लेता हूं क्या होगा, ये होता कैसे पे वो देखो, आर सी पी एच डबल बॉन्ड को जब इसको हाइड्रोलाइज करोगे ना, क्या करेगा इसको हाइड्रोलाइज, तो पहले H प्लस जाएगा, H प्लस जाएगा क्या करेगा RCOH को क्या करेगा प्लस PH, उसके बाद कौन जाएगा H2O, क्या होगा लोन पेयर, लोन पेयर क्या करेगा अटैक, इसको क्या कर देगा बोल देगा, क्या बचा आर सी पी एच ओ एच, क्या हो जाएगा एक H2O निकल जाएगा, क्या बचेगा दिस वन, क्या बचेगा दिस वन, पक्का है ना, That is very important. इसके बाद का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, अब सुनना मैं यहां तुम्हें सिखाने वाला क्या, वो ये कि तुम जस्ट देखो ये जो कंपाउंड तूने बनाया था ये इस जगह पे
इस जगह से तुम प्रोसीड किए थे, किए थे ना, किए थे तुम, सुनना ठीक ठाक से, समझ में आएगा तुम्हें। अगर तुम्हारे पास एक ऐसा कंपाउंड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आर सी आर एस या पीएच, यहां पे एनएच टू, यहां पे ओएच, आर सी पी एच, यहां पे सी एल ओ एच, है ना, तकलीफ है। अगर तूने इसको वाटर के मीडियम में टूटने के लिए कहा, अगर तुम इसको NH3 के मीडियम में टूटने के लिए कहा तो बड़ा अच्छी बात होगी। क्या होगी? जब तुम वाटर के मीडियम में बोलोगे इसको तो इसमें OH ग्रुप नहीं निकलेगा, क्योंकि मीडियम वाटर है, OH निकलेगा तो क्या होगा, एक रिपल्सन होगी। उस वक्त ये खुल करके इसको भगा देगा, यानी उस वक्त जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा इसमें वो आर सी पी एच डबल बॉन्ड ओ। लेकिन जब एनएस थ्री के मीडियम में लोगे तो एनएस थ्री क्या होगा, ये बाद में देखते हैं, एनएस थ्री क्या होगा, नहीं रहेगा, रहेगा वेज क्या होगा, निकल जाएगा, है ना। उस वक्त क्या बनेगा तुम्हारा प्रोडक्ट, आर सी पी एच क्या डबल बॉन्ड, है ना। मतलब क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ, तूने इसको कराया था यहां पे, इसको तूने हाइड्रोलाइसिस किया तो वही किया ना, तेरे पास था क्या, तेरे पास था क्या, मैंने कीटोन को लिया था ना, ठीक, मैंने इसको भी करा के दिखाता हूं, देखो देखो यहां पे तुम किसको हाइड्रोलाइज किए थे, इसको किए थे ना, देखो इस बात को, आर है, सी है और क्या है पीएच है, डबल बॉन्ड क्या है एनएच है, तुम इसको हाइड्रोलाइज करा रहे हो, क्या डालेगा इसके ऊपर एच प्लस, कहां जाएगा एच प्लस, यहां जाएगा ना, फिर क्या होगा आर सी पी एच, भाई लिख लो बिकॉज ये स्लाइड से छूट भी सकता है, एंड में क्या अटैक करेगा इसके ऊपर एस टू, क्या बनेगा आर सी पी एच, बोलो क्या बनेगा एनएस टू एच, बनेगा ना, अरे बनेगा ना, मीडियम कौन सा है तुम्हारा हाइड्रोलिसिस करते वक्त, कौन है वाटर, क्या निकलेगा, ये निकलेगा, क्या होगा उसके बाद, क्या होगा उसके बाद, एस टू का लोन पे अटैक भगा देगा इसको ना, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना, है ना। तो जब ऐसी हाइड्रोलिसिस होती है ना तो ये टूटता है, राइट, ये टूटता है और यहां पे ऑक्सीजन है और यहां पे क्या जुड़ता है H2, दिख रहा है, यहां पे ऑक्सीजन और यहां पे H2, लिख रखे सारी बात, मीन्स जिस सॉल्वेंट में अगर दो लिविंग ग्रुप है, डिफरेंट लिविंग ग्रुप, तो वी हैव टू चेक द सॉल्वेंट, जिसका सॉल्वेंट होगा वो रह जाएगा, जिसका सॉल्वेंट नहीं होगा वो निकल जाएगा उधर से, क्लियर क्लियर। हाँ तीन डिब्बे और कैसे हो सकता है, मैं जो भी होगा सॉल्वेंट, एक जिसका सॉल्वेंट प्रेफर करेगा वो रहेगा, जिसका सॉल्वेंट प्रेफर करेगा वो रहेगा, राइट, ठीक है ठीक है। मतलब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, तुम यहां पे एक चीज और सिखा सकता हूं मैं तुम्हें, जो सिखा रहा हूं, तुम अगर आर सी, यहां नहीं सिखाऊंगा, अगर तुम आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन,
आर सी डबल बॉन्ड एन आर डैश आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच। अभी जो तुमको दो स्लाइड दिखा रहा हूं ना, आरएमजी की कहानी यहां पे खत्म हो गया, आरएमजी की कहानी यहां पे खत्म हो चुकी है ना। इसके बाद तुम्हें तंग कर सकते हैं ऐसे, यहां मैं इसको भी हेडलाइज करके दिखाया, किसको इसको भी हेडलाइज करके दिखाया, वापस यही पहुंच जाएंगे राइट। लेकिन अगर इसको हेडलाइज करेंगे, दिख रहा है ना एससीओ प्लस, हम यहां पर रहेंगे, मतलब इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, होने के बाद फिर से वही पहुंचे। अल्टीमेट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा इसका, ये। फिर मैंने सिखाया कि सॉल्वेंट के हिसाब से फॉर्मेशन होता है किसका, प्रोडक्ट। क्यों सिखाया इसको, क्योंकि बेटा यहां आने वाला था, दिख रहा नहीं है, यहां पे आने वाला था मैकेनिज्म के अंदर। तो तुम पूछते ना सर इसको क्यों निकाले, इसको क्यों नहीं निकाले, इज इट, दोनों ही दिखा दिया मैंने कि स्टेप बाय चेंज करके तुमको बोल दे कुछ उल्टा पुल्टा तो तुम यू नो द मैकेनिज्म राइट। फिर हम तुमको जो दिखाने जा रहे हैं वो तीन चीज दिखाने जा रहे हैं, तीन चीज, बड़ा अच्छा अच्छा चीज है ना, देखना सुनना। अगर कभी किसको कोई इसको बोले कि हाइड्रोलाइज किया गया है, एस थ्री ओ प्लस दिया गया है, तब क्या होगा, चलो देखो ध्यान से सुनो, ध्यान सुन आर, और ये तुम आगे जब पढ़ोगे ना ये तुम्हारे कॉमन रिएक्शंस हो जाएंगे, इसको हाइड्रोलाइज कराना, उसको हाइड्रोलाइज कराना, इसको हाइड्रोलाइज, दिस इज थ्री डिफरेंट एग्जांपल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर रिडक्शन कराने का कह दिया जाएगा, NiS2 फटाफट NS2 हो जाएगा, ये एमीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कौन सा एमीन, प्राइमरी, कौन सा एमीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सब बनाने लगेंगे इस, है ना। और वो भी बनाएंगे अभी, थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ा देर, दो मिनट रुक जाओ, ये सब एमीन देखो कितना बहुत, ये जो सिखा रहा हूं वो एकदम अंतिम तक की कहानी से कनेक्टेड है। इसको जब रिड्यूस कर दोगे तो यहां पे क्या चाहिए, यहां पे क्या चाहिए ना, तो नाइट्रोजन के ऊपर आर आर एन एच, अरे बफलोल, आर सी एच एन एच टू पी आर डैश, कौन सा एमीन है, प्राइमरी है ना, कौन सा एमीन है, ये भी क्या होगा, प्राइमरी, ये भी अगर NiS2 डाल देगा तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी में, जो रिडक्शन चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं जस्ट थोड़ा दिन बाद, जस्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन खत्म होने, अल्कीन खत्म होने दो, वी डिस्कस द रिडक्शन, फिर वी मूव इन प्रॉपर्टीज एंड देन मूव इन द अल्कीन एंड अल्काइन। सो ये क्या देगा, प्राइमरी, क्योंकि यहाँ CH2 यहाँ पे NS2 होगा, है ना, मिल रहा है ना, ओके राइट। अब इसको चलो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, ये तो रिडक्शन से हो गया, NiS2 डाल दोगे हो जाएगा, क्या होगा बोलो तो, R C ट्रिपल बॉन्ड एन एच प्लस होगा ना, H प्लस जाएगा पहले, फिर क्या होगा बोलो बेटा, H2 है, क्या करोगे H2 से, लोन पेयर, टक 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 टक, क्या होगा बोलो, R C O H, क्या होगा NH होगा ना, होगा तो, अरे इसको हाइड्रोलिसिस किए थे ना अभी थोड़ी देर पहले, किए थे ना, अरे किए थे कि नहीं किए थे, अरे किए थे ना, क्या बनाते हैं यहां पे, आर सी आर डैश डबल बॉन्ड बना था ना, ये इसी टाइप का लग रहा है ना, इसको जो फिर से हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड, ये तो एसिड बन गया, यानी कि जब तुम इसको हाइड्रोलाइज करते हो भाई, इसको हाइड्रोलाइज करते हो तो क्या बनता है, क्या बनता है, एसिड, आरसीएन की हाइड्रोलिसिस एसिड देती है, आर सी डबल का एसिड क्या होता है, कीटोन देता है हाइड्रोलिसिस, तो इसकी भी हाइड्रोलिसिस क्या देगी, अरे बोलो क्या देगी, मैकेनिज्म सीखियो ना, क्या बनेगा, ये तो छोड़ दो, डबल बॉन्ड एल्डिहाइड, अरे वाह सुंदर, तो जान कहां पे, इसके मैकेनिज्म देख चुका हम लोगों ने, सी दिस सिनेरियो, और ये कहां से डेवलप हुआ, कहां से डेवलप हुआ, आरसीएन के रिएक्शंस विद द आरएमजीएक्स, साइनाइड के रिएक्शंस विद द आरएमजीएक्स,
अब एक काम और करें ना, चलते देखते हैं आर एन सी। यही है ना आर एन सी, इसके रिएक्शंस, इसके रिएक्शन कैसे होंगे, किसके साथ, आर एम जी एक्स। सो गो विथ पी एच एम जी एक्स, पी एच एम जी एक्स क्या होगा बोलो तो, किधर किधर खुलेगा, कैसे कहां पे अटैक करेगा ये, सी सुनना, देखो देखो इधर क्या होगा फिर, होगा ना, और कुछ कर सकता है ये, और कुछ कर सकता है, अरे कर सकता है कुछ, किसको बुलाएगा, है ना पक्का, किसका रिएक्शन सीख लिया तूने, रिएक्शन ऑफ आरएमजीएक्स विद द आइसोसाइनेप्स। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा पता है, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूछेगा आरएमजीएक्स रिएक्ट विथ साइनाइड्स, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल विल अटैच एट टू डिफरेंट लोकेशंस और सेम लोकेशन। फिर पूछेगा आरएमजीएक्स रिएक्ट विथ द आइसोसाइनाइड, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल्स अटैच एट द सेम लोकेशन और डिफरेंट लोकेशन। अब देखो ये जो रिएक्शन है वो तो एडिशन है, और कैसे एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि आरएमजीएक्स कैसे बिहेव कर रहा है अभी, एज ए न्यूक्लियोफाइल, और हमने कहा था ना कि कहीं कुछ ऐड होता है तो पहले न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा एडिशन के लिए तो न्यूक्लियोफिलिक, और इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक, लेकिन एडिशन में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों ही ऐड होते हैं ना, तो इन केस ऑफ आइसोसाइनाइड ये भी कार्बन पे ही अटैच हुआ और हाइड्रोजन भी कार्बन पे ही अटैच हुआ, यानी कि इसमें एडिशन अल्फा हुआ, एक ही जगह पे दो ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल विल अटैच एट द सेम पोजिशन, द सेम कार्बन, राइट। ठीक है सुनना मेरी बात, सुनना कितना सुंदर बात समझा रहा हूं मैं, अगर इसको तूने रिड्यूस करा दिया ना कैटलिटिक अमाउंट से तो क्या होगा, देखो तो आर एन एच सी एच पी एच एच कैसा बना, आई मीन वन डिग्री या टू डिग्री, कैसा आई मीन बना, टू डिग्री दिख रहा है ना, कैसा बना, टू डिग्री आई मीन, देख रहे हो, तुमको पूछेगा टू डिग्री आई मीन बनाना है कन्वर्जन में, कब साइनाइड और कब आइसोसाइनाइड यूज करेंगे समझ में आ रहा है, अगर यहां पे तुम रिडक्शन करोगे ना, कहां पे यहां पे कैटलिटिक रिडक्शन करोगे क्या होगा, आर सी एस टू क्या एन एस टू कितना, वन डिग्री, यहां पे कैटलिटिक रिडक्शन करोगे क्या बनेगा, है ना, कितना बनेगा बोलो, वन डिग्री है मीन, इसको रिड्यूस कराओगे कैटलिटिक आर सी एच एच क्या बनेगा, समझ में आई बात, आरएमजीएक्स का रिएक्शन समझ में आया, ढेर सारा समझ। अब देखो अब इसमें मैं जब दिखाऊंगा तो आपको कौन सा नहीं पता, कि आपको नहीं पता फॉर्मल्डिहाइड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, आपको नहीं पता कि आरएमजीएक्स में आर माइनस फॉर्मल्डिहाइड से कैसे रिएक्ट करेगा, नहीं पता आपको, फॉर्मल्डिहाइड क्या देगा, प्राइमरी एमीन क्या देगा, तो लेकिन पास आई क्यू की थोड़ी सी कमी है, वो कमी पूरी हो जाएगी, मेरे पास एक हाइड्रेटेड डंडा है, कैसे डंडा है, हाइड्रेटेड डंडा है ना, वो दिमाग दौड़ने लगेगा, दिमाग में जाम पड़ गया है, आर माइनस अटैक दोनों निकलेगा, क्या निकलेगा, क्या होगा, आर सी एस टू ओ माइनस ना, एच प्लस का डिमांड करेगा, क्या बनेगा,
यानी कि प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो आरएमजीएक्स से, तो कौन अकेला भगवान है, कौन भगवान है, फॉर्मल्डिहाइड। बाकी एल्डिहाइड से 2 डिग्री, कीटोन से 3 डिग्री ना, ये हम लोग देखेंगे। इपॉक्साइड देखेंगे, उसके बारे में इपॉक्साइड ये दिख रहा है ना, ये देख चुके हैं ना अभी, इसको देख चुके हैं ना एस्टर को, है ना, ये भी देख चुके हैं ना, कीटोन है ना, दिख रहा है ना 3D अल्कोहल दिख रहा है तो, राइट, ये दिखा, ये कौन सा कंपाउंड है, बोलो बोलो, फॉर्मिक एसिड था ना, याद करो HCOOET दिख रहा है, पहले क्या होगा, ये निकल जाएगा ना, बन गया ना, पक्का, लॉजिक दिख रहा है तो, आरसीएन पे देखे थे, आरसीएन पे देखे थे ना अभी, क्या बना था, अरे आरसीएन के बाद हाइड्रोलिसिस, आरसीएन के बाद हाइड्रोलिसिस, ये आरसीएन प्लस क्या है, इसका हाइड्रोलिसिस है ना, देखे थे ना अभी, फिर एस्टर से, फिर CO2 से देखे थे ना, सिर्फ क्या नहीं देखा इसमें, इपॉक्साइड नहीं देखा, राइट, ये देखा प्रोटिक सब देखा ना, देखा ना सबके साथ, देखा ना RH, ये RX के साथ क्या करेगा, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, बोलो जल्दी क्या करेगा, RMGX है, ठीक है ना, और यहां पे CH3Cl है, क्या करेगा इसको, चलो निकलो, चलो निकलो, दिक्कत है इसमें, दिक्कत है इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में, अरे फॉर्मेशन में दिक्कत है क्या, R3N रिएक्शन करेगा, कोई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है क्या ना, ये सब देखेंगे अगले दिन, अभी छोड़ो, ये सब दिखा चुका हूँ, दिखा चुका ना, ये दिखा चुका ना, ये भी X2 RX XX निकाल देगा ना, जो बचा देगा।